हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल यहाँ गर्दन में उठने वाला दर्द है जो बहुत ज्यादा पेन करता है, आपकी गर्दन मूवमेंट लेने से मना कर देती है। ये असल में इसकी शुरुआत गलत तरीके से उठने बैठने से आपकी कमर में दर्द होता है, आपकी रीढ़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम पे आप ध्यान नहीं देते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते ये सर्वाइकल तक हो जाती है। फिर ये सर्वाइकल जो वेन्स है ये इतनी फूल जाती है, इतनी ज्यादा दर्द करती है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, हाथ हाथ भी नहीं हिलते और गर्दन भी मूवमेंट लेने से मना कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी हैं बहुत सारी, अपन जिसके शॉर्ट्स बना लेंगे तो एक्सरसाइज उसमें वज्रासन, बालासन और बहुत सारी एक्सरसाइज आती है, तो मैं उसके शॉर्ट्स बना देंगे। और इसमें फिर खास दो तीन क्या करते हैं इसमें ना, एक तो तिल का तेल लेते हैं, तिल के तेल में आप लहसुन जला लेंगे और नमक डाल लेंगे, फिर उसको ठंडा करके उसकी मालिश करेंगे, खासकर सुबह में उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये दो मालिश बहुत फायदेमंद है, आप धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से उसको मालिश कीजिए तो वो बहुत फायदा करती है। फिर सेकेंड घरेलू उपचार इसका है, आप एक हैंकी वगैरह में रुमाल में बालू रेत भर लीजिए, पहले बालू रेत को गर्म कर लीजिए कढ़ाई में डाल के, फिर हैंकी में वो बालू रेत रख लीजिए और उससे सिकाई कीजिए, उससे थोड़ा प्रेशर भी लगता है और उससे सिकाई का बहुत अच्छा फील होता है आपको और उसमें बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलता है। तो ये दो तो मैंने आपको ये बता दी, अब उसमें एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी है। एक्यूप्रेशर का पॉइंट ये दोनों, ये अंगूठा और ये फिंगर, इसके बीच में जो यहाँ पीछे ये वाला पॉइंट है ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है सर्वाइकल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसको प्रेस कीजिए अच्छे से, ये एक यहाँ कर लीजिए, थोड़ा सा इससे रिलेटेड यहाँ पे कर लीजिए पिंच, ये आप देख रहे हैं और देख क्लोजअप देख लीजिए, एक यहाँ पे देख लीजिए और एक अंगूठा और फिंगर के बीच में, ये दोनों के बीच में यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ पे इसको दबाइए प्रेस कीजिए, तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है सर्वाइकल के लिए। तो फ्रेंड्स ये कीजिए, और एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसका इसमें देख लीजिए कैसे करना है आपको, आपको गर्दन अपनी पूरी नीचे लटका लेनी है। ठीक है, ये देखिए ऐसे करती गर्दन, अब ये आपको शुरू में सिर्फ 2 या 3 सेकंड आपको रखना है, लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट है, बीपी आपका बहुत ज्यादा हाई लो रहता है तो आप ये वाली एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि इसमें ब्लड पूरा सर्कुलेट होते हुए पूरा ब्लड माइंड में चला जाता है तो उससे आपको ज्यादा चक्कर वगैरह आ सकते हैं। अब ये 1-2 सेकंड करने के बाद आप धीरे से नीचे आ जाइए, बराबर आ जाइए, एकदम उठना नहीं है, एकदम उठने से क्या होगा ब्लड का प्रेशर एकदम बढ़ेगा और एकदम से आप चक्कर खा जाएंगे, तो इसको धीरे से आप यहाँ पे करना है आपको, आप यहाँ पे सीधे आके और लेट जाइए थोड़ी देर, अब इसमें सांस लीजिए, कम से कम धीरे धीरे आपको 15 बार सांस लेनी है इसके बाद, और उसके बाद आप उठ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कीजिए और इसको एक बार ये एक सेशन करा अपन ने, फिर आप पीछे जाके गर्दन नीचे लटका दीजिए, फिर 2-3 सेकंड तक रुकिए आप, फिर उसके बाद वापस से ऊपर आ जाइए, फिर 15 बार सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए लीजिए, छोड़िए, इनहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल कीजिए और फिर वापस नीचे जाइए, ऐसे करके आपको 3 सेशन करने हैं, तो ये आपके कम से कम 8-10 मिनट में होंगे 3 सेशन, 3 बार आपको डेली करना है ये वाला एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए, फॉर सर्वाइकल। ठीक है, ये कर लीजिए, फिर उसके बाद वज्रासन में बैठने वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, देखिए आप वज्रासन में बैठ जाइए, बस ये वज्रासन में बैठ जाइए जैसे आप खाना खाने के बाद बैठते हैं। ये तो मैंने बहुत, ये बहुत शानदार एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, तो आप ये बैठ जाइए वज्रासन में। अब इसके बाद आती है बालासन, बालासन और कर लीजिए सर्वाइकल के लिए, बालासन में धीरे धीरे हाथ आगे ले जाइए, आगे ले जाइए ले जाइए, और सर को नीचे टच कर लीजिए, सिर को नीचे टच कर लीजिए और हाथ पूरा आगे तक ले जाइए, ये भी इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, तो ये भी 3-4 बार कीजिए। तो ये फिर एक ये वाली आती है, देखिए ये दोनों हाथ पीछे ले जाती है, ऊपर से ले जाते हैं और नीचे से ले जाते हैं, यस ठीक है ना, दोनों को आपस में टच कर लेते हैं अपन हाथों को, ये ऐसी बैठे बैठे की एक्सरसाइज है। फिर इस हाथ को ले जाइए इधर से, इस हाथ को ले जाइए पीछे से और दोनों को इसमें पकड़ लीजिए आपस में, नहीं पकड़ा तो सिर्फ टच कर लीजिए, टच भी ना हो तो दूर दूर ही रहेगा तो भी कोई बात नहीं, आप पोजीशन ये वाली बना लीजिए। तो ये फ्रेंड्स कीजिए, वो सर्वाइकल से छुटकारा पाइए,
करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे साथ बने रहिए।